हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो इस वीडियो में हम लोग पॉवर्टी चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे और इसमें मेजरली हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से काफी एमसीक्यूज जो है पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉवर्टी का क्या मतलब है? पॉवर्टी का मतलब है इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ विच इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। जब भी कोई ह्यूमन बीइंग एनेबल है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ की, जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज, अगर उसको नहीं मिल पा रही तो ऑब्वियस ही बात है वो बंदा क्या होगा? पुअर होगा और पॉवर्टी विल बी देयर एंड पॉवर्टी विल लीड टू पेन एंड सफरिंग। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर किसी के पास अच्छा खाना नहीं है खाने को, अच्छे कपड़े नहीं है, देन उनके पास शेल्टर नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, तो ऑब्वियस है ना उनकी जो लाइफ होगी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही पुअर होगा। देयर विल बी लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी। अगर किसी को टाइम से खाना नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन उनको प्रॉपरली नहीं मिलेंगे, और न्यूट्रिशन जब प्रॉपरली नहीं मिलेंगे तो उनकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती है। जैसे आप ये बच्चों का देखो, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज में क्या है कि काफी जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। इंडिया के केस में भी यही सारी चीजें हैं, इंडिया में भी यही चीजें होती है, काफी बच्चों को प्रॉपर टाइम पे खाने को कुछ भी जो फूड है वो अवेलेबल नहीं होता। और इसी की वजह से गांधी जी ने एक कोट लिखा है। गांधी जी ने कहा था, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड्स बट नॉट एवरी मैन ग्रीड। एज यू नो कि सारे के सारे लोग, अर्थ ने इतना कुछ प्रोवाइड किया होगा कि सारे के सारे लोगों की जो नीड्स है, जरूरतें हैं, वो पूरी हो सके, बट किसी की ग्रीड को नहीं पूरा किया जा सकता। कहते हैं ह्यूमन बींग की वॉन्ट्स जो होती है ना अनलिमिटेड होती है, और वो अनलिमिटेड वॉन्ट्स ही ह्यूमन बींग की ग्रीड को जगाती है। तो ये कोट जो था गांधी जी ने कहा था, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन ग्रीडी ना हो तो सारे पर्सन की जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। तो ये सोर्स किसका है? पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो गांधी जी कहते थे पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। वायलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाँ किसी को मारना पीटना तो वायलेंस होगी, बट अगर किसी के पास ये जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको फुलफिल करने का भी पैसा नहीं है तो उसको हम कहेंगे ज्यादा बड़ी वायलेंस। तो अब देखते हैं कि पुअर कौन है। अगर इकोनॉमिस्ट की एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो पुअर है दो तरह के है, वो है रूरल पुअर और अर्बन पुअर। तो रूरल एरियाज में जो पुअर है उनमें कौन कौन इंक्लूडेड है? उनमें है लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स। अब ये लैंडलेस लेबरर्स कौन से होते हैं? लैंडलेस लेबरर्स वो लेबरर्स है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जो किसी और की जमीन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनको काम मिल गया तो पैसा आ जाएगा, नहीं मिला तो पैसा नहीं आएगा। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास बहुत कम जगह है खेती बाड़ी करने के लिए, और एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो एग्रीकल्चर में अपनी लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। देन अगर मैं अर्बन एरिया की पॉवर्टी की बात करूं, अर्बन एरिया के पुअर की बात करूं, तो वहां पे रोड साइड वेंडर्स जो ठेला लगा के बैठे होते हैं लोग, देन पुश कार्ट वेंडर्स, कॉबलर्स, रैग पिकर्स जो बोरे वगैरह लेके जाते हैं, और बैगर्स, ये सारे के सारे अर्बन एरियाज के पुअर हैं। और अगर मैं बात करूं अर्बन पॉवर्टी की, अर्बन पॉवर्टी इज द स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी। वो कैसे? क्योंकि देखो मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं। अब रूरल एरिया में जो बेसिक जो एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की सोर्स है दैट इज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर इतने लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। जब एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा तो रूरल एरिया के लोग शिफ्ट होकर कहाँ जाएंगे? अर्बन एरिया में जाएंगे, और ऑलरेडी बर्डन्ड अर्बन एरिया में और ज्यादा बर्डन होगा, और जिसकी वजह से अर्बन एरियाज की पॉवर्टी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो अर्बन पॉवर्टी है वो एक स्पिल ओवर है रूरल पॉवर्टी का। अगर मैं फीचर्स की बात करूं अर्बन और रूरल पुअर के, तो कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि इनके पास कुछ कुछ ही एसेट्स होती हैं और ये कच्चा हाउस में रिजाइड करते हैं, जो मड के बने हुए हाउसेज होते हैं उनमें। देन दे फेस कंटिन्यूअस स्टार्वेशन एंड माल न्यूट्रिशन। इनको टाइम पे खाने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्व होंगे, और खाने को नहीं मिलेगा तो माल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे। इनके पास अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं होती, ये बहुत ही कम एज में क्या करना शुरू कर देते हैं? काम करना शुरू कर देते हैं। देन दे सफर इल हेल्थ, बिकॉज खाने को नहीं मिलेगा तो हेल्थ कैसी होगी? ऑब्वियस ही बात है हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं होगी। देन दे ऑल्सो हैव अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड। इनके पास जो काम करने का लाइवलीहुड का सोर्स होता है वो अनसस्टेनेबल होता है, कभी काम मिल गया कभी काम नहीं मिला, जिसकी वजह से इनको बोरो बहुत करना पड़ता है, और बोरो करने की वजह से इनका जो कर्जा है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और ऑब्वियस ही बात है ना, जब कर्जा इंक्रीज होगा तो इन पे बर्डन और ज्यादा पड़ता रहेगा और इनकी जो पॉवर्टी है और ज्यादा इंक्रीज होती रहेगी। देन अगर पुअर कि हम बात करें तो पुअर की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि वो अपने जो वेजेस है उनके लिए नेगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको काम की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो इनको एम्प्लॉयर होता है वो कहता है कि आपको जो बेसिक पे मिलना चाहिए उससे भी कम पे मिलेगा,
और इनके पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं होती, इतना ज्यादा कुछ अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती और इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो कि इनको पता लगे कि हम अपनी वेजेस के लिए नेगोशिएट कर सके, तो जिसकी वजह से इनका एक्सप्लॉयटेशन है बहुत ज्यादा होता है। अब एक्सप्लॉयटेशन भी हो गया, उसके अलावा एक सोशल फैक्टर भी है, जैसे वुमेन को इग्नोर किया जाता है। अगर अर्बन और रूरल पुअर की बात करूं, पुअर जो फैमिलीज होती है उसमें वुमेन को पर्टिकुलरली इग्नोर किया जाता है, वुमेन को डिप्राइव किया जाता है कि आपने डिसीजन मेकिंग में कोई भी पार्ट जो है वो नहीं लेना, तो एक बहुत ही जिसको कहे ना मेजर प्रॉब्लम्स है। देन उसके बाद रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी का क्या मतलब है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि जब हम एक किसी भी रीजन को, किसी कंट्री को, पर्सन को हम रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हमने पाकिस्तान और इंडिया का एग्जाम्पल लिया और लिख दिया पाकिस्तान इज रिलेटिवली पुअरर देन इंडिया, दैट मीन वी आर जस्ट कंपेयरिंग दीज टू कंट्रीज। रिलेटिवली मतलब जब हम कंपेयर करते हैं रीजन को या कंट्रीज को या लोगों को। अब हमारे केस में अगर मैं बात करूं, देन इट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रिटेड इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री, कि जैसे मान लो सपोज कहें दैट नॉर्दर्न इंडिया इज रिलेटिवली रिचर देन ईस्टर्न इंडिया, अगर मैं इस बात को कहूं, ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। और अगर मैं अब नेशनल इनकम की बात करूं कि जो हमारा बॉटम का 20% पॉपुलेशन है, बॉटम 20% पॉपुलेशन, उनके पास सिर्फ 8.1% ऑफ नेशनल इनकम है इंडिया का, और जो टॉप का 20% पॉपुलेशन है उनके पास 45.3% नेशनल इनकम है। दैट मीन टॉप 20% पॉपुलेशन इज रिलेटिवली रिचर देन बॉटम 20% पॉपुलेशन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी का एग्जाम्पल जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, तो इंडिया में जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन का क्या मतलब है, पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट है जो डिवाइड करता है द पीपल ऑफ अ रीजन एज अ पुअर एंड नॉन पुअर। अब ये लाइन लगाई हुई है, अब जो भी इस लाइन के नीचे होगा वो क्या होगा, पुअर, और जो इस लाइन से ऊपर होगा वो क्या होगा, नॉन पुअर। तो ये है पॉवर्टी लाइन का मतलब। और ये फर्स्ट टाइम जो कंसेप्ट था इंट्रोड्यूस किया गया था 1979 में, 1979 में फर्स्ट टाइम पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद इसके जो कुछ चेंजेस थे वो किए गए थे 2004 एंड 5 में। 2004 एंड 5 में तेंदुलकर कमेटी का सेटअप हुआ था, और तेंदुलकर कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर इंडिया में जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया का क्लासिफिकेशन करके कहा था कि अगर रूरल एरिया में 816 रुपए अपने कंजम्पशन नीड्स पे पर मंथली स्पेंड कर रहे हैं, उनसे ऊपर स्पेंड कर रहे हैं वो नॉन पुअर होंगे, और जो इससे कम स्पेंड कर रहे हैं वो क्या होंगे, पुअर होंगे। और अर्बन एरिया के केस में क्या कहा था कि 1000 रुपीज से कोई ऊपर कमा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉन पुअर में कंसिडर किया जाएगा, और 1000 रुपीज से नीचे से कमा के खर्च कर रहा है वो किस कैटेगरी में होगा, पुअर की कैटेगरी में। और इसी तरह से हमें इस वाले जो मेथड से हमें पता लगता है कि हमारे टोटल जो लोग है बिलो पॉवर्टी लाइन वो है 21.9%, ऑलमोस्ट 22% के अराउंड हमारे जो लोग है वो क्या है, पुअर है। अब कुछ कैटेगरीज देखे हम पॉवर्टी की, तो सबसे पहली कैटेगरी है ऑलवेज पुअर। ऑलवेज पुअर वो लोग है जो पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल नीचे ही रहते हैं, इनका जन्म भी पॉवर्टी में होता है, ये रहते भी पॉवर्टी में, और इनकी डेथ भी है पॉवर्टी में हो जाती है, जैसे रैग पिकर्स हो गए और कॉबलर्स हो गए छोटे छोटे। ओके, इनके पास ज्यादा कुछ पैसा कमाने को होता नहीं है तो इनको ऑलवेज पुअर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। फिर आते हैं यूजली पुअर। यूजली पुअर वो पुअर है जो कि देयर आर ऑल्सो बीपीएल, ये बीपीएल में है, दैट मीन बिलो पॉवर्टी लाइन है, बट ओकेजनली कुछ हद तक बेटर हो जाते हैं ऑलवेज पुअर से। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज पुअर की कैटेगरी जैसे ही है, देखो है तो बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे, बट बेटर है एज कंपेयर टू ऑलवेज पुअर। जैसे ब्रिक किलन के वर्कर्स, देन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो भट्टों पे काम करते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो यूजली पुअर होते हैं बट स्टिल बेटर होते हैं ऑलवेज पुअर से। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है क्रॉनिकल पुअर। क्रॉनिकल पुअर में दिस कैटेगरी इंक्लूड्स बोथ ऑलवेज पुअर एंड यूजली पुअर, मतलब दोनों कैटेगरीज का मिक्सचर होता है। दे आर ऑलवेज बिलो पॉवर्टी लाइन, दो सम आर बेटर ऑफ देन अदर्स, ये भी बिलो पॉवर्टी लाइन ही होते हैं, ऑलवेज बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट मीन नीचे ही आते हैं पॉवर्टी लाइन के, बट स्टिल कुछ हद तक ये क्या होते हैं, बेटर होते हैं, जैसे रैग पिकर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अब ये तो है नहीं कि सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पैसा नहीं मिलता, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ को पैसा मिलता होगा, बट इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता। देन चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर वो पुअर होते हैं जो अप डाउन मूव करते रहते हैं, जैसे पॉवर्टी लाइन है, कई बारी अप चले गए कई बारी डाउन आ गए। अब इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं स्मॉल होल्डर और सीजनल वर्कर्स। स्मॉल होल्डर्स का मतलब अगर सीजन अच्छा लग गया, उनकी अच्छी जो प्रोडक्शन होगी क्रॉप्स की, तो वो अबव पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे।
अगर उनकी प्रोडक्शन जो है कम हुई तो ऑब्वियसली बात है ना वो बिलो द पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे। सिमिलर केस सीजनल वर्कर्स के साथ है, सीजनल वर्कर्स को सीजन में काम मिल जाता है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे, काम नहीं मिलेगा तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे। तो ये कुछ जो ये जो कैटेगरीज है ना इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। देन अगर हम बात करें ओकेजनली पुअर की, तो दीज आर पीपल हु आर ऑफन अबव पॉवर्टी लाइन बट ओकेजनली स्लिप बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब किसी कारण की वजह से वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं। वैसे ऑल्दो ये क्या होते हैं अबव पॉवर्टी लाइन ही होते हैं, जैसे कि कोविड 19 के लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, काफी जो छोटे छोटे ढाबा और रेस्टोरेंट वाले हैं उनको काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनका जो लेवल था वो इनकम लेवल था वो डाउन हो गया। एग्जाम्पल आपको याद होगा एक बाबा का ढाबा काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे फेमस हुआ था ये। देन ट्रांजिएंट पुअर, दोज इन द कैटेगरी ऑफ चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर, मतलब ये दोनों कैटेगरीज में आते हैं उनको कहते हैं ट्रांजिएंट पुअर, ये पूछा जा सकता है आपसे। देन इनका प्रिंसिपल एट्रीब्यूट ये होता है दे आर प्रोन टू स्लिपिंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड नेवर बी ट्रीटेड एज नॉन पुअर, एग्जाम्पल वे साइड रेस्टोरेंट। तो ऐसे कुछ कैटेगरीज आपको चार ऑप्शन बना के पूछी जा सकती है और मैथ्स दी कॉलम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन जो मेजर एक सबसे पहला जो स्टेप लिया गया था पॉवर्टी लाइन को मेजर करने का, और बेसिकली मैं कहूं तो पॉवर्टी को मेजर करने का, दैट वाज अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब ये कंसेप्ट क्या था, वन बाय वन लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो दादाभाई नौरोजी ने डिस्कस किया था सबसे पहले पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, और उन्होंने ये कैसे किया, उन्होंने किया अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के थ्रू, एक मेथड था उनका। अब इन्होंने बेसिकली इसमें क्या किया दैट ही यूज एप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइस टू अराइव एट एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो उन्होंने जो एप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइस उस टाइम के चल रहे थे उनको कैलकुलेट किया, मेजर किया, एंड देन एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तक वो पहुंचे। ही देन एडजस्टेड दिस कॉस्ट टू अकाउंट फॉर चिल्ड्रन इन्फ्लिक्टेड विद पॉवर्टी एंड अकॉर्डिंगली अराइव्ड एट पीपल द पीपल हु आर एट बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि जेल कॉस्ट को जो कैदी वगैरह जेल में रह रहे थे उसकी कॉस्ट को जो बच्चे जिनको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा था उसके साथ कंपेयर किया एंड देन डिसाइड किया पॉवर्टी लाइन के बारे में। अब इनका क्या फॉर्मूला क्या था, पहली बात तो बेसिकली इनके जो अजम्पशन थे वो क्या थे, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज चिल्ड्रन। तो इन्होंने क्या कंसिडर किया, अगर मान लो सपोज 99 का पॉपुलेशन है तो 1/3 मतलब 33 जो है वो क्या है बच्चे हैं, और 66 क्या है वो है अडल्ट पॉपुलेशन। अब पॉवर्टी लाइन का इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, अब जो 1/3 बच्चे हैं उसमें से भी जो 1/6 बच्चे हैं वो निल डाइट कंज्यूम कर रहे, मतलब एक भी डाइट जो है कंज्यूम नहीं कर रहे। देन उसमें जो हाफ है वो हाफ डाइट कंज्यूम कर रहे हैं मतलब 0.5, और जो 2/3 है अडल्ट है वो क्या कर रहे हैं फुल डाइट कंज्यूम कर रहे हैं। और जब हमने इसका कैलकुलेशन किया 1/6 × 0 प्लस 1/6 × 0.5 प्लस 2/3 × 1 तो हम 3/4 वैल्यू पे आ गए। नाउ दस वेटेड एवरेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ थ्री सेगमेंट्स मतलब ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट गिव्स द एवरेज पॉवर्टी लाइन विच कम्स आउट टू बी 3/4 ऑफ द अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो कितना आ गया, 3/4 ऑफ द अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो वैल्यू था वो हमारे पास निकल के आ गया। तो ये एक फर्स्ट स्टेप था पॉवर्टी लाइन को मेजर करने का जो कि दादाभाई नौरोजी ने दिया था। और ये आपसे शायद पूछा जा सकता है कि अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो था और अडल्ट कॉस्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो क्राइटेरिया था पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का किसने प्रोवाइड किया। उसके अलावा और भी काफी जो अटेम्प्ट्स थे वो किए गए ताकि एक मैकेनिज्म डेवलप हो सके सो दैट वी कैन डिटरमिन नंबर ऑफ पुअर्स। तो जिसमें पहला था 1962 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया टू डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग पुअर। 1979 में एक टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड ये सेटअप किया गया, और 1989 और 2005 में ये जो सेम पर्पस के लिए एक्सपर्ट ग्रुप था फिर से स्टार्ट किया गया। दैट मीन तीन बारी 1962 में, 1979 में, 1989 में और 2005 में ये जो सारे के सारे क्राइटेरियाज है वो डेवलप किए गए ताकि नंबर ऑफ पुअर को हम डिफाइन कर सके कि क्या है नंबर ऑफ पुअर। 1979 में एक और चीज हुई थी जिसमें क्या था, पॉवर्टी लाइन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस, देन पॉवर्टी लाइन को हम एक और तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं वो है टर्म्स ऑफ कंजम्पशन के बेसिस पे। अगर चूज करना हो इनकम बेसिस या कंजम्पशन बेसिस को, हम डेफिनेटली कंजम्पशन बेसिस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। उसका रीजन ये है कि कंजम्पशन एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल, वेयर एज जो इनकम क्राइटेरिया वो सिर्फ हमें शो करता है कैपेसिटी टू परचेज कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, बट एक्चुअल में जो टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें कंजम्पशन लेवल से पता लगता है।
और अगर हम कंजम्पशन लेवल की फिक्सेशन की बात करें तो जो फिक्सेशन वाला क्राइटेरिया है उसके लिए कमेटी सेटअप हुई थी 1993 में, जिसका नाम है लकड़ा वाला कमेटी। तो लकड़ा वाला कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। रूरल एरियाज में जो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 2400 कैलोरीज दिया गया और पर डे का, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज। अब रूरल एरिया में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा क्यों दिया गया? बिकॉज रूरल एरिया में जो काम होता है वो हैवी होता है, लोग जो ज्यादा मेहनत करते हैं, वेयर एज अर्बन एरियाज में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज अर्बन लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऐसा है कि वहां पे कुछ ज्यादा एज सच हार्डवर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जो फिजिकल ज्यादा वर्क है वो रूरल एरियाज में ज्यादा होता है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह काम हो गया, देन उनके जो और भी काफी जो वर्क होते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। नाउ हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स इन इंडिया, अगर हम कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हमें एस्टिमेशन करना है कंजम्पशन कट ऑफ, तो उसके लिए क्या देखना है, ओनली प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के ट्रू या फॉल्स में कि कौन सा क्राइटेरिया, सिर्फ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा जाएगा। अब प्राइवेट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें सिर्फ फूड आइटम नहीं आएंगी, नॉन फूड आइटम्स भी आएंगी, ये भी पॉइंट एज इट इज याद करने वाला है। और फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड हम देखते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज की, कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी भी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे और डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। अब मैं मतलब समझाता हूँ, मान लो सपोज 500 से 1000 कैलोरीज तक कितने लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, 1000 से 1500 कैलोरी तक कितने कंजम्पशन कर रहे हैं, 1500 से 2000 तक कितने कैलोरी में कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम नोट डाउन कर लेंगे जैसे हम मीन के क्वेश्चन जो थे 10-1 में सॉल्व करते थे। और फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की जब हमने, तब हमें इंडिकेट हो जाएगा कि पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना है, और फाइनली हमें पता लगेगा हेड काउंट रेशियो के बारे में, जो कि हमें शो करेगा कि पुअर कौन है और नॉन पुअर कौन है रूरल और अर्बन एरियाज में। ऑब्वियसली बात है 2100 कैलोरीज अगर ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो नॉन पुअर की कैटेगरी में आ जाएंगे, और 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो पुअर की कैटेगरी में आ जाएंगे। रूरल के केस में 24 कैलोरी से ऊपर और 2400 जो कैलोरीज है उससे नीचे। तो हेड काउंट रेशियो बेसिकली क्या है, इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन। एक्चुअल में हेड काउंट हमें पता लगता है कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं पॉवर्टी लाइन की, तो वो लिमिटेशन क्या है, नो डिफरेंशिएशन अमंग पुअर। देखिए पहली बात तो मैं एक सिंपल सी चीज समझाना चाहता हूँ, पुअर की कैटेगरी में देखो ये तो है नहीं कि सारे के सारे जो पुअर होंगे वो एक ही किस्म के पुअर होंगे। कई लोगों को बहुत ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, कई लोगों को कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट है, जो बेसिक डिफरेंशिएशन है पुअर के बीच में, पुअर की फर्दर कैटेगरीज में वो हेल्प हमें नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा सिंपल चीज बता देता है कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है, उसको फर्दर कैटेगराइज नहीं कर पाते। देन मोस्ट ऑफ द टाइम जो सोशल फैक्टर्स है वो इग्नोर किए जाते हैं। सोशल फैक्टर्स जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हाउसिंग हो गया। अब फूड और नॉन फूड आइटम की बात चल रही है, क्या एजुकेशन के बारे में डिस्कस हुआ? नहीं हुआ। क्या हेल्थ के बारे में डिस्कस हुआ? नहीं हुआ। क्या हाउसिंग के बारे में डिस्कस हुआ? वो भी नहीं हुआ। क्या प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है? नहीं पता। क्या प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी मिल रही है? वो भी नहीं पता। तो इतनी सारी चीजें जो इग्नोर कर दी जाती है पॉवर्टी लाइन के क्राइटेरिया में, बट स्टिल हम ये चीज नहीं कह सकते कि हाँ पॉवर्टी लाइन का पूरा क्राइटेरिया ही गलत है। कुछ ना कुछ तो चीज है प्रोवाइड की हुई है हमें गवर्नमेंट ने कि हाँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन पुअर की कैटेगरी में कौन नॉन पुअर की कैटेगरी में। इसके अलावा और भी टूल्स हैं, जैसे सेन इंडेक्स है जो कि नोबल लॉरिएट अमर्त्या सेन जी ने प्रिपेयर किया था, देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम डिटेल में जाते नहीं डिस्कस करेंगे। देन ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, अगर मैं कहूँ कि पूरा का पूरा टेबल आपने याद करना तो वो तो इम्पॉसिबल है। इसका सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे 2013-14। अब ईयर दे दिया, नंबर ऑफ पुअर दे दिए, 2004-05-09-10-11-12 में स्टार लगाया हुआ है। क्यों स्टार लगा हुआ, आप एक चीज नोटिस करो, 2004 से पहले 1999 और 2000 वाले ईयर में जो नंबर ऑफ पुअर थे वो 26 करोड़ थे, और परसेंटेज कितना था बिलो पॉवर्टी लाइन, 26.1%। और 2004-05 में क्या हुआ, ये नंबर ऑफ पुअर एकदम बढ़ गए 40.71 करोड़, और परसेंटेज कितना हो गया 37.2 करोड़। अब ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 2004-05 में, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, 2004-05 में एक नया क्राइटेरिया जो कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पॉवर्टी लाइन की क्राइटेरिया को भी क्या किया था, चेंज किया था, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ पुअर है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए इन 2004-05 ईयर। इस वजह से जो ट्रेंड था हमारा कंप्लीटली चेंज हुआ। देन अगर इंटरस्टेट कंपैरिजन की बात करें तो
अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है। जैसे अगर मैं हाईएस्ट बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेट कहूँ तो हाईएस्ट मतलब जिसमें सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं वो है यूपी, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, और अगर मैं लोएस्ट बीपीएल स्टेट्स की बात करूं तो वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो ये सारी की सारी स्टेट्स है, आपको पूछा जा सकता है कि लोएस्ट बीपीएल स्टेट कौन सी है और हाईएस्ट बीपीएल स्टेट्स कौन सी है। देन अर्बन और रूरल एरिया की अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो फिर डेटा दिया हुआ है, डेटा वाली बात है, डेटा से हमें पता लगता है कि अगर मैं 72 से लेकर 2011 तक की बात करूं तो ऑब्वियस है ना, जो अर्बन पॉवर्टी है वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, बट रूरल पॉवर्टी इतनी ज्यादा रिड्यूस नहीं हुई। और इसलिए रूरल एरिया के लोग कहां पे जाते हैं, अर्बन एरिया में काम ढूंढने के लिए जाते हैं। और वही जो स्टेटमेंट मैंने आपको पहले समझाई थी, दैट अर्बन पॉवर्टी इज द स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी, बिकॉज रूरल एरिया में लोगों को काम नहीं मिलता, जब काम नहीं मिलेगा तो काम ढूंढने के लिए वो अर्बन एरिया में जाएंगे, और ऑलरेडी बर्डन जो अर्बन एरिया है उसमें और ज्यादा इफेक्ट होगा, उसमें और ज्यादा जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज होगी। तो इस वजह से रूरल पॉवर्टी जो है वो जिसको कहें ना इंटेंसिफाई करती है अर्बन पॉवर्टी। देन हमारा जो मेजर टॉपिक दैट इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, उसके बारे में डिस्कस करें तो पहला हमारा आता है पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एज यू नो इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड थी बिकॉज ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर दिया था, हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, देन हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सारा का सारा कम्प्लीटली जो था डाउनफॉल पे था, और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई और पॉवर्टी इंक्रीज होगी। देन अगर इसके रिगार्डिंग हम बात करें तो पहला पॉइंट आता है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। एज यू नो आवर जीडीपी इज फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो लॉकडाउन की वजह से सिक्स तक पहुंच गई थी, बट ऑलमोस्ट हम फिफ्थ और सिक्स की प्लेस पे जो है कम्पीट कर रहे हैं, बट स्टिल हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट है अभी भी काफी लो है अगर हम उसको अपनी पॉपुलेशन में डिवाइड करें, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, वी आर हैविंग अ मैसिव पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 135 करोड़ के अराउंड हमारा पॉपुलेशन है, और अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 2000 यूएस डॉलर हमारे एक पर्सन के पास आते हैं। इसी को अगर मैं कंपेयर करूं यूएस से, यूके से, फ्रांस से, तो उनके पास ऑलमोस्ट 40,000 यूएस डॉलर से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, मतलब उनका एक पर्सन 40,000 के करीब यूएस डॉलर जो है वो अर्न करके स्पेंड करता है, बट इंडिया के केस में कितना है, 2000 यूएस डॉलर के करीब है, और जिस वजह से हमारी कंट्री को यूएनओ पुअरेस्ट कंट्री में कैटेगराइज करता है। देन लो रेट ऑफ ग्रोथ, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है इतना ज्यादा नहीं है, प्लानिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट 5% हमारा जीडीपी ग्रोथ रहा था, और कम ग्रोथ होने की वजह से हमारी पॉवर्टी क्या है, ज्यादा है। देन अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज देयर, तो काफी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारा, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डिपेंडेंसी बर्डन है वो काफी इंक्रीज हो गया, और हमें मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा, हम फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमें वही रोड्स, हमें वही स्कूल्स, हमें वही हॉस्पिटल्स मेंटेन करने पड़ेंगे, मतलब दैट मीन हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और क्वालिटी पे हम फोकस नहीं कर पाते, और पॉपुलेशन हमारा ऑलमोस्ट 135 करोड़ के अराउंड है, और ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, काउंटिंग है इन सिंपल वर्ड्स। देन क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, सो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट टाइम टू टाइम चल रहा है हमारी कंट्री में, ये नहीं है कि सभी लोगों को टाइम पे काम मिल रहा है, काम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, जिनको काम नहीं मिल रहा उसकी वजह से उनकी पॉवर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं तो हमारी कंट्री में जो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है उसका जो ट्रेंड है वो एक किस्म से कंटिन्यू रह रहा है, और मोर ओवर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हमारी कंट्री में। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो सपोज कोई पर्सन है, उसने मास्टर्स कर ली, मास्टर्स इन आर्ट्स कर लिया या फिर एमएससी कर लिया, अब मास्टर्स इन आर्ट्स और एमएससी करने के बाद उसको कोई अच्छी जॉब चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, बट जॉब्स है ही नहीं हमारी कंट्री में, उनको काम क्या मिल रहा है कि 4 या 5 घंटे का कुछ बेसिक सा काम कर लो या कई जगह पे पियन लग जाओ, ऐसे काम मिल रहे हैं जो कि उनकी जो डिग्री है उसके मैच नहीं करने, जिसकी वजह से ये जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में और ज्यादा इंक्रीज हो गया। देन वी डोंट हैव एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, हमारी कंट्री में इतने ज्यादा एबल और एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स नहीं है कि जो और लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करे। हमें सिंपल सिंपल क्या कहा जाता है, बचपन से ही सिखाया जाता है, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, या टीचर बन जाना है, लकीली अगर कोई बन भी जाता है टीचर तो ओके, बट स्टिल हमारी कंट्री में ये नहीं सिखाया जाता कि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने लोगों को काम प्रोवाइड करना है, जिसकी वजह से सभी जॉब सीकर हैं, जॉब प्रोवाइडर कोई नहीं है। अगर जॉब प्रोवाइडर्स होंगे तो पॉवर्टी क्या होगी, कम हो जाएगी। देन इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, लो जीडीपी और हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, एंड वी आर अ लेस डेवलप्ड कंट्री,
दैट इज वल्नरेबल टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, बिकॉज जीडीपी ग्रोथ कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर डिमांड ज्यादा होगी तो रियल इनकम हमारी कंट्री की क्या होगी, कम होगी। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये सोनू जोमेटो है, अब इसके पास 1000 रुपीज है और ये 1 kg एप्पल जो है वो बाय करना चाहता है, और वो एप्पल कितने के है, 50 रुपीज के। तो 50 रुपीज kg के एप्पल परचेज करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे, 950 रुपीज बचेंगे। ओके, अब मान लो सपोज 1 किलो एप्पल वो परचेज करना चाहता है और एप्पल का जो कॉस्ट है वो कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया। और जब 100 रुपीज कॉस्ट हो गया, अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे, 900 रुपीज बचेंगे। तो कोई चीज महंगी होगी तो उसका इफेक्ट हमारी रियल इनकम पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो रियल इनकम है वो इरोड हो जाएगी। पेट्रोल या डीजल के केस में देख लो कि अगर पहले जो पेट्रोल था कम था, अब पेट्रोल जो है ज्यादा रेट पे मिल रहा है, वही चीज अब हमें ज्यादा रेट पे मिल रही है, जिसकी वजह से हमारी जो रियल इनकम है वो क्या हो रही है, इरोड हो रही है। दैट मीन हमारे पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल पॉवर्टी को और ज्यादा इंक्रीज करने में, मतलब जिसको कहें ना, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। देन क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये पॉइंट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। देन कैपिटल डेफिशिएंसी, कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब है अगर लैक ऑफ कैपिटल होगा, मतलब कैपिटल की कमी होगी, जैसे मशीनरी वगैरह की, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी की कमी आएगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा काम नहीं होगा, काम नहीं होगा पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो पॉवर्टी फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो एक पूरा का पूरा जिसको कहे ना क्रोनोलॉजी है। अब ये चीज आपको ना ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि अगर लैक ऑफ कैपिटल हो गया तो यहाँ पे लैक ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगी, यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे आपको, और ब्लैंक देने के बाद क्या कहेंगे, यहाँ पे लो पॉवर्टी है। तो बाद में 4 ऑप्शंस दे देंगे कि क्या आंसर हो सकता है इसका, आंसर विल बी लो एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी है जो पूछे हुए हैं सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में। देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन। हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, और जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है हमारी जो डायनेमिक चेंजेस को, इकोनॉमी में जो डायनेमिक चेंजेस हो रही है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको एक किस्म से रुकावट डाल रहे हैं। कास्ट सिस्टम पे एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट का। तो कई लोग सोचते हैं कास्ट सिस्टम बहुत अच्छा, बट एक्चुअल में कास्ट सिस्टम हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट को काफी रोक के रख रहा है। तो कास्ट सिस्टम को खत्म करने की रिक्वायरमेंट है। देन वी आर हैविंग लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टूरिज्म, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। एजुकेशन जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें डायरेक्टली हेल्प करेगा पैसा कमाने में, वेयर एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हेल्प करेगा पैसा कमाने में। दोनों चीजें क्या है, फाउंडेशन है हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट की, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा अच्छी हमारी कंट्री में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ कॉजेस थे पॉवर्टी के विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ आर इकोनॉमी। और अगर मैं बात करूं पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन आर कंट्री, तो NCAER की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो टॉप 20% पॉपुलेशन है उनके पास 53.2% टोटल इनकम है, और बॉटम की जो 40% पॉपुलेशन है उनके पास अराउंड 15.3% हमारा जो नेशनल इनकम है। मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 1536 जो कंपनीज है कंट्री की वो सिर्फ 75 फैमिलीज के पास है। दैट मीन इसको कहें एक किस्म से कैपिटलिज्म है। गवर्नमेंट इस चीज को देखने की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सब्सिडी प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट, सब्सिडीज प्रोवाइड की है, बट स्टिल इतना ज्यादा जो पॉवर्टी है उस पर इम्पैक्ट नहीं हुआ, हमारा पॉवर्टी कंपाउंड ही हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये जो हमारे थे मेजर कॉजेस, इसी के साथ वीडियो का एंड हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।